10 मिनट का वीडियो के अंदर हम 8.3 मार्क्स कंफर्म कर लिए हैं। अगर हम इतना सा टॉपिक पढ़ लेंगे लास्ट 30 दिन के अंदर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आकाश स्टॉक्स। आज हम बात कर रहे होंगे यार आईएससी के ऊपर, ठीक है। तो लास्ट वीडियो मतलब जो हम आईएससी के लिए बनाया था, ठीक है, फॉर केमिस्ट्री, बहुत सारे लोग देखा था, बहुत सारे लोग कमेंट किया था, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम के अंदर डीएम किया था कि भैया एक चैप्टर के अंदर, ठीक है, क्या क्या चीज पढ़नी है। ठीक है भैया, हम तो नीट के लिए फोकस कर रहे थे, भैया हम तो जेईई मेंस के लिए फोकस कर रहे थे, हम मेंस दे रहे हैं, भैया मेंस के बच्चे, राइट, हमको बोर्ड्स का कुछ पता नहीं है, हम मेंस दे रहे हैं, बोर्ड्स हमको पता नहीं है, कहां से क्वेश्चन सकते हैं, वो हर एक चीज को लेकर बात करने वाला वीडियो के अंदर। ठीक है, अगर केमिस्ट्री का लास्ट वीडियो नहीं देखे हो जाके चेकआउट कर लेना, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बहुत कंटेंट उसके अंदर है, ठीक है, क्योंकि वही कंटेंट तुमको बोर्ड्स के लिए हेल्प करेगा, नॉट फॉर जेईई मेंस, नॉट फॉर नीट। ठीक है, अच्छा फिजिकल आता है भैया 25 मार्क्स का, इनऑर्गेनिक 14 मार्क्स का, ऑर्गेनिक 31 मार्क्स, राइट। भैया फिजिकल से अगर पहला चैप्टर है सॉल्यूशन, राइट, तो भैया सॉल्यूशंस के लिए हमको कहां से पढ़ाई करना, तो पहला पॉइंट है कि मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग, ठीक है भैया, परसेंटेज बाय मास, अगर तुमको पता है तो बहुत बढ़िया भैया, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, व्हाट डू यू मीन में परसेंटेज बाय मास, व्हाट डू यू मीन में परसेंटेज बाय वॉल्यूम, इफ यू नो कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, इसके साथ भैया नॉर्मलिटी, मोलालिटी, मोलालिटी, फॉर्मलिटी, क्या है, मोलालिटी, 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 नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी हमने नहीं लिखा है, ये चार चीज का जो कंसेप्ट है बेटा तुम अच्छे से, मतलब तुम जिस बुक से कर रहे हो करना, बिकॉज ये कंसेप्ट के ऊपर बेटा तुमको सम्स आने वाले या फिर आते हैं हमेशा। ठीक है, अगर तुम ये वाला बुक यूज कर रहे हो, वेरी गुड, अगेन बोल रहा हूं कोई बेटा कोई प्रमोशन नहीं है, ठीक है, ये वाला बुक अगर खरीद पा रहे हो बहुत बढ़िया, अगर नहीं खरीद पा तो कमेंट करना, मैं डाल दूंगा मेरा ऐप के अंदर एक कोर्स बनाकर। ठीक है, चलो, अच्छा ये तो हो गया, इससे क्या होगा, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग से एक कुछ भी यार तुमको सम्स मिलने वाला है अगर तुम 2024 के बच्चे हो तो, राइट। अच्छा, व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशंस, डू यू हैव एनी आइडिया, व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल सॉल्यूशंस, आइडियल सॉल्यूशंस होता क्या है, क्या है आइडियल सॉल्यूशंस भैया बोलिए, अगर तुमको पता है तो कमेंट करना। ठीक है, नेक्स्ट हम आ रहे हैं भैया राहुल्स लॉ का टू कंडीशंस, ठीक है, दो कंडीशन जो दिया गया बुक के अंदर उसको पढ़ना ही पढ़ना, बिकॉज देखो ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, इतना पढ़ना है। अच्छा भैया ग्राफ, ग्राफ भैया वेपर प्रेशर, राइट, इसके साथ तुम्हारा टेम्परेचर, ये दोनों से जो ग्राफ आते हैं ना, ये ग्राफ को एक बार देख लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके बाद हम आते हैं एजियोट्रॉपिक या फिर कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, व्हाट डू यू मीन बाय एजियोट्रॉपिक और कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, डेफिनेशन के अंदर 2 मार्क्स का क्वेश्चन तुमको वैसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, क्या कैसे होते हैं, इसका नेचर, टेम्परेचर, प्रेशर, 3 पार्ट है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस का 3 पार्ट है, क्या है यार, नेचर, किस नेचर का ये गैस है, टेम्परेचर, तुम कौन से टेम्परेचर को हिट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, राइट, एंड इसके साथ और क्या है, प्रेशर, कितना प्रेशर हम दे रहे हैं, इतना सा टॉपिक है, तो इतना सा अगर चीज कर लोगे ना, ठीक है, और 2-3 टॉपिक है, मेरा बात सुन लो, तो तुम्हारा भैया सॉल्यूशन डन हो जाएगा बोर्ड्स के लिए, मैं अगर बोल रहा हूं बोर्ड्स के लिए, नॉट फॉर नीट, नॉट फॉर जेईई, नॉट फॉर तुम्हारे और कुछ अलग, ठीक है, नीट के भी यार जो बच्चे हैं तो तुम जहां से पढ़ाई कर रहे हो करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, बट बोर्ड्स के लिए मैं यार बोर्ड्स के लिए तुमको एक अच्छा नंबर, जो नंबर आईआईटीज के अंदर जाने के लिए चाहिए मैं वो करवा दूंगा, राइट, मैं स्वयं उस जगह से हूं, यू नो, राइट। चलो मेरी बात सुनो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हम बात करेंगे, तो यार एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, इसके अंदर डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इनटू मोलालिटी, सो इसका जो सम्स आता है ना, वो सम्स सारा सम्स प्रैक्टिस करना, ये वाला बुक फॉलो कर रहे हो, उसके अंदर 20 साल का जो सम्स है वो दिया गया है, इसके अंदर खरीद सकते हो, तो लिंक नीचे है, अगर नहीं खरीद सकते हो तो भी यार तुम जहां से करना चाहते हो करना, या फिर कमेंट करना कि भैया आप अगर हो सके तो ऐप के अंदर करवा दीजिए, राइट। अच्छा नेक्स्ट हम आ रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वह ऑस्मोटिक प्रेशर, मेरे को कोई बोल सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मोटिक प्रेशर, भैया ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या, अगर तुमको पता है कमेंट करो, अगर नहीं पता है तब भी यार कमेंट करो, ठीक है। अच्छा वैन डेर वाल्स थ्योरी जो है आई वी इक्वल टू एन स्क्वायर एन टू आर टी, जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इस फॉर्मूला से यार छोटा छोटा ज्यादा नहीं है, 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन हम बहुत बार देखे हैं। वैन डेर फैक्टर, ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं, ठीक है। ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय एक्सप्रेशनल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्या है बेटा, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय एक्सप्रेशनल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसके अंदर 2 पार्ट है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन, क्या होता है बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन, एक करेगा डिसोसिएट, एक करेगा एसोसिएट, ठीक है, इतना सा चीज है, अगर इतना सा चीज तुम कर रहे हो, ठीक है, तो मैं तुमको बोल सकता हूं कि तुम्हारा जो सोल्यूशन है, तुम्हारा सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, इससे ज्यादा इस चैप्टर से कुछ पूछा नहीं जाएगा। देखो 10 मिनट से भी कम टाइम के अंदर मैंने यार समाप्त कर दिया एक चैप्टर के अंदर, क्या पढ़ना है भैया तुमको, से पढ़ना है भैया, कहां से पढ़ना है वो भी तुमको दे रहा हूं, मैं वो भी तुमको दे रहा हूं, ठीक है, लास्ट मोमेंट के अंदर मैं तुमको वो भी दे रहा हूं, अगर कोई बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ाया किया तब भी इतना सा जान लेगा ना बेटा, तुम्हारा सोल्यूशन तो पक्का,
25 मार्क्स पकड़ रहे हम जो हमारे आते हैं क्या बोलते हैं फिजिकल से, 25 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे कितना होता है 8.33 राइट, तो 8.33 मार्क्स हम बोल सकते हैं कि भैया 10 मिनट का वीडियो के अंदर हम 8.33 मार्क्स कंफर्म कर लिए है अगर हम इतना सा टॉपिक पढ़ लेंगे लास्ट 30 दिन के अंदर इस चैप्टर से ओनली। ठीक है, अगर ऐसा वीडियो चाहते हो भैया और चैप्टर्स के लिए बना दीजिए, बोल दीजिए या फिर आप कोर्स लॉन्च करिए कमेंट करके बच्चा लोग, अगर तुम शेयर करोगे तो मैं भी वो करने के लिए तैयार हूं। चलो दैट्स इट फॉर टुडे, तब तक के लिए चलते हैं, सी यू, हैव अ वेरी गुड टाइम, गुड बाय, गुड नाइट एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू।